अयोध्या धाम के जगतगुरु वल्लभाचार्य महाराज बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की हिंदू राष्ट्र की मांग का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र तो था ही, आज से नहीं अनादि काल से है और अभी भी और आगे भी रहेगा, इसकी केवल घोषणा होनी बाकी है। वहीं शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, घोषणा हो या ना हो, वास्तव में हिंदुओं में राम राज्य होना चाहिए। राम राज्य की कल्पना को ध्यान में रखकर ही हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है। भारत में अगर वास्तव में विवाद दिखाई दे रहा है तो केवल नेताओं में दिखाई दे रहा है। नेता हमारे सनातन धर्म को अलग अलग करके केवल गुट की राजनीति ही सीखना चाहते हैं। ये कमी नेताओं की है जो हमारे सनातन धर्म पे धब्बा लगाने के लिए तैयार है। और ही एक कहावत है श्री रामचरितमानस जी की, स्वार्थ लाभ कर ही सब रीति, सूर्य नर मुनि सबके यह रीति। तो ये अपने अपने पेट को पालने के लिए नेता कार्य कर रहे हैं। हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र ही है, घोषणा होए और चाहे ना होए। आप लोगों के यहाँ तो बहुमत के आधार पर ही पूरा देश चल रहा है, तो अगर बहुमत को आपने आधार बनाया है लोकतंत्र में, तो फिर ये बात भी बहुमत पर ही होगी ना। 140 करोड़ में हम 100 करोड़ हैं कि नहीं? देश तो संविधान से चल रहा है और संविधान सबको रहने की अनुमति देता है, इसलिए वो रहते हैं। तो कई और संत बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में आए हैं और उनका यह कहना है कि घोषणा हो या ना हो, यह तो मानकर ही चलना चाहिए कि भारत हिंदू राष्ट्र है। और यह भी तर्क दे रहे हैं कि अगर सब कुछ लोकतंत्र से निर्धारित होता है तो हिंदुओं की संख्या लोकतंत्र के लिहाज से भी काफी ज्यादा है।